हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी है अहमदाबाद में। तो आज अपन बात करते हैं कि थोड़ा से पैसे लगाकर आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे आपको आइडिया देने वाला हूँ, ऐसा आपको उसमें धंधा बताने वाला हूँ, ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें आप थोड़े से पैसा लगा लो और महीने के लाखों रुपये कमाओ। तो अगर आपको बिजनेस करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, या अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो वीडियो 5 स्टार लगाकर एंड तक ज़रूर देखें। सब कुछ आपको एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इस दिन, ये जो धंधा बता रहा हूँ इस, सब कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पूरा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो अपन थोड़े से पैसा लगाकर आप महीने का लाखों रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात, अगर आप नौकरी कर रहे हो ना भाई, तो नौकरी छोड़ दो। नौकरी में कुछ नहीं होने वाला भाई, नौकरी में कोई फ्यूचर नहीं है, नौकरी में कोई भविष्य नहीं है। अगर आपकी हाँ, लेकिन सैलरी अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सैलरी कम है, अगर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी है ना, तो आप नौकरी को, मैं कह रहा हूँ आज ही लात मार के आ जाओ, नौकरी को अभी छोड़ दो। आप नौकरी में कुछ नहीं हो सकता, आपका फ्यूचर नहीं है, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते नौकरी में भाई। 15,000, 20,000, 25,000 से कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, आप सोच रहे हो कि 15,000, 20,000, 30,000 में कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि 15,000, 20,000 बड़ा बहुत बड़ा अमाउंट है, तो एक आप स्प्लेंडर ले लो खाली। स्प्लेंडर लेने में आपके फटके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, आपको अगर बड़ा अमाउंट लगता है ना, 25,000, 30,000 आपको बड़ा अमाउंट लगता है, तो छोड़ दो नौकरी और मतलब आप स्प्लेंडर लेके दिखा दो, पता चल जाएगा भाई यार हमारी कितनी क्या क्या सैलरी है। ठीक है, अगर जो आपने ठान ली कि भाई मैं फोर व्हीलर लूंगा, तो वो भाई सपना ही रह जाएगा आपका, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। 15,000-20,000 में कभी भी गाड़ी घर पे नहीं आती, फोर व्हीलर घर में नहीं आती। ठीक है, बाइक की किस्तें भरते भरते थक जाओगे, लेकिन आपकी दूसरा किस्तें ही भरोगे, बाकी कुछ नहीं होगा आपसे। ठीक है, EMI भरते भरते जिंदगी खत्म हो जाएगी। बॉस टारगेट देते रहेंगे, आप टारगेट लेते रहना, जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके बॉस के टारगेट पूरे नहीं होंगे। एक दिन आप खुद खत्म हो जाओगे, लेकिन आपके टारगेट खत्म नहीं होंगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ पर। ठीक है, तो अगर आपको धंधा, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, ठीक है, आपके खुद के सपने पूरे करने हैं, आपको एक लग्जरी लाइफ जीनी, अच्छी लाइफ जीनी है, तो भाई नौकरी छोड़ दो। मैं कहता हूँ भाई नौकरी छोड़ दो। मैं खुद नौकरी करता था, कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। ठीक है, 10,000 सैलरी थी, 2015 की बात कर रहा हूँ। 2015-16-17 तक 2 साल नौकरी कमाया, किया भाई 2 लाख रुपये कमाया था 2 साल में। 10,000 सैलरी थी, क्या बचाऊंगा, क्या घर पे दूं, कितना क्या, कुछ नहीं होता था भाई। गर्लफ्रेंड में ये गाड़ी में पैसा पूरा होता था, कुछ नहीं बचता था भाई। ठीक है, 10,000 सैलरी थी, क्या 10-12,000 सैलरी क्या होता, कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, 2 साल बर्बाद किए, फिर बाद में मैंने कहीं से पैसे का जुगाड़ करके एक दुकान की, कपड़े की, अभी मैंने एक दुकान से 2 दुकान कर डाली है। ठीक है, अभी मेरे खुद के यहाँ पे 2 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, महीने का 1.5 से 2 लाख रुपये भी मैं कमाता हूँ दुकान पे। अहमदाबाद में मेरी दुकान है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं आया तो मेरे को कॉन्टेक्ट करो, मैं दुकान पर भी आप मेरे से मिल सकते हो। ठीक है, तो नौकरी कर रहे हो ना, तो नौकरी को छोड़ दो भाई, बिजनेस करो। ठीक है, एक मैं ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ आपके लिए कि महीने के आप लाखों रुपए कमाओगे। ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, कम इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी इनकम हो जाएगी आपको, अच्छी खासी इनकम कमाओगे। आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील होगा कि यार सही में यार क्या बिजनेस कर रहा है हमारा लड़का, आप पे प्राउड फील करेंगे यार, आप खुद खुश रहोगे। किसी के बॉस का कोई ऊपर का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई टारगेट नहीं, जब मर्जी है तब खोलो, जब मर्जी है तब बंद करो। बिजनेस जैसा कोई गुलामी नहीं भाई, बिजनेस करो यार। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज जूते की दुकान की भाई, बूट चप्पल फुटवेयर की बात करते हैं। तो भाई फुटवेयर में मेरा मानना है कि फुटवेयर में मेरा मानना नहीं, मैं खुद इस पे इंक्वायरी लेके आया हूँ कि फुटवेयर में 40% प्रॉफिट रहता है भाई। सबसे पहले प्रॉफिट की बात, तो 10 चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें आपको इम्पोर्टेंट, मतलब बूट चप्पल की आपको दुकान करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, 10 चीज़ें क्या है कि सबसे पहला बजट, सबसे मेन चीज़ है बजट ही यार भाई। मेन चीज है आप क्या सोचते हो भाई, बजट कितना है, कौन सा धंधा करूँ, बजट कितना है। तो भाई बजट की बात, बहुत कम बजट है, आप मात्र 2 लाख रुपए का बजट है। आप 2 लाख रुपए में आप दुकान स्टार्ट कर सकते हो और अपने दुकान को अच्छी पोजीशन में आप ले जा सकते हो। और सबसे दूसरी चीज, आपको खरीदी कहाँ से करना है, तो भाई खरीदी का क्या है कि आसपास में कोई अच्छी सी सिटी देख लो, बड़ी पास आपके पास में कोई सिटी होगी
तो वहां पे आप सिटी कर, सिटी में सिटी से आप माल खरीद लो, दो लाख का नहीं मतलब 1 लाख का खरीदी कर लो आप, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास में। और दूसरा बात क्या, शॉप रेंट, तो आपको शॉप लेनी है रेंट पे तो नॉर्मली ज्यादा रेंट वाली नहीं लेना, बहुत बड़ी शॉप नहीं लेना, बहुत छोटी नहीं शॉप लेना, मीडियम शॉप लेना। जैसे कि भाई मैं आपको अंदाजा बताऊं 10x15 की आपको शॉप रेंट पे लेनी है, ठीक है, 10x15 की शॉप पे रेंट लोगे 10,000 के आसपास पे रेंट आपको मिल जाएगी। और इसमें आपके डिपॉजिट चला जाएगी 30,000, मतलब 3 गुना डिपॉजिट होती है तो 30,000 आपका डिपॉजिट चला जाएगा, ठीक है। फिर मेरा मानना एक्सपीरियंस भी जरूरत है, एक्सपीरियंस आपके पास पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सपीरियंस के लिए आप 3 से 4 महीना कभी भी बूट चंपल के वहां पे जॉब कर सकते हो और काम सीख सकते हो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस चीज के एक्सपीरियंस का क्या, आप सीख जाओगे तो उसको आप बोल देना भाई मेरे को सैलरी भली आप कम दो लेकिन मुझे सब कुछ बताना, आप कहां से खरीदी करते हो, क्या करते हो, कितने बेचना है, क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, तो सब कुछ भाई उसको जहाँ पे आप जॉब करो वहां पे आप पूछ लेना, मतलब भाई सीख ही रहे हो तो सब कुछ पूछना तो लाजमी, आप सैलरी कम लोगे, ठीक है। और पांचवी चीज ऑफर भी, भाई आपकी दुकान हो जाए तो फिर ऑफर लगाने का भाई, क्योंकि ग्राहक अट्रैक्शन के लिए ऑफर लगाने की तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ऑफर लगा दो भाई, अपनी जो चीजें आई है उसके ऊपर थोड़ा भाव चढ़ा के ऊपर लगा दो, बार 25% डिस्काउंट, 30%, उससे आपके ग्राहक आकर्षक होंगे कि भाई यार पहली दुकान ऐसी खुली है मार्केट में जहाँ से ऊपर लगे भाई जूते की दुकान पर सेल लगा हुआ है, बहुत मामूली दुकान होती है, बहुत कम दुकान होती है वहाँ पर जूते जूते की दुकान पर ऑफर देते हैं, कपड़ों पर तो ऑफर रहता ही है 100% रहता है, बार आप बोर्ड लगा दो अच्छा सा भाई ऑफर चल रहा है 30% डिस्काउंट 40% डिस्काउंट, आप उसके ऊपर प्राइस थोड़ी चढ़ा के डिस्काउंट कर दो, ठीक है। और छठी चीज़ है नई नई फैशन, बूट आप जब भी बूट खोलो बूट चंपल आप खरीदी करने जाओ ना यार, तो यार एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप ना ये इंस्टाग्राम व्हाट्सअप व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे ये टिकटॉक पे ये सब जो बूट खरीदते हैं इससे भी खरीदी करने का यार, क्योंकि अपना एरिया लोकली होगा, आप देखोगे लोकल एरिया में दुकान करोगे 2 लाख का बजट करो, लोकल एरिया में करो तो बूट की खरीदी उस टाइप की कर लो, फैशन के तौर पर, ठीक है, फैशन के तौर पर करो, थोड़ी फंके लुक में बूट की खरीदी करने का, ठीक है। बूटों में 2-3 के नाम बता दूँ, होल बूट खरीद करना, एक पार्टी वेयर शूज खरीद लेना, एक थोड़ा फंकी टाइप के शूज खरीद लेना, और बहुत सारे टाइप के शूज आते हैं इस टाइप के आप शूज खरीद लेना, और बहुत सारे ब्रांडों की कॉपी मिल जाएगी आपको, कॉपी बहुत मिल जाएगी, कॉपी लग जाए भाई जैसे सारा ब्रांड उसकी कॉपी मिल जाएगी, तो हर चीज़ की आप ब्रांड की आप कॉपी ले आना, मिल जाएगा मार्केट में कॉपी बहुत कम रेट में मिल जाएगी, बहुत अच्छी साइज आपको मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें क्या क्या चीज़ें रखनी है आपको बूट रखने में, एक तो बूट रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेडीज बूट जेंट्स बूट, ठीक है, दोनों के बूट रखना है। और दूसरी क्या है कि आपको सैंडल रखना है लेडीज के जेंट्स के दोनों के रखना है, और तीसरी चीज़ आपको रखनी है चप्पल रखना है लेडीज के जेंट्स के दोनों के रखना है, ठीक है, और स्लीपर रखना है लेडीज के जेंट्स के दोनों के रखना है, बाकी आप हील वील भी रख सकते हो लेडीज के, और बूटों में लॉपर वोपर सब चूज आते हो तो आप सब कुछ रख सकते हो बूट में, मतलब सब कुछ भर लो आप, जितने हो सके उतना आप चीज़ें रखने का, ठीक है। और एरिया की बात करूँ तो अभी आप एरिया आपको नॉर्मल एरिया में दुकान करनी है, अगर आप पहली बार आप बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल एरिया में बिजनेस करते हैं क्योंकि उसमें चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल एरिया में आप दुकान करना है यहाँ पर चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपको कौन सी चीज़ें नई खरीदी करनी है ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा जानने को, ये मेरा लाइफ नवा चीज़ है, कौन सी चीज़ें आपको खरीदी नहीं करनी है, तो मैं बात को खरीदी नहीं करनी आपको है ना, वो चमड़े के चंपल उनकी खरीदी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और जो रबड़ के जो शूज होते हैं ना रबड़ के उनकी खरीदी बिल्कुल नहीं खरीदी है, वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी के कपड़े सॉरी थर्ड क्वालिटी के शूज आते हैं वो, मतलब मजा नहीं है उनमें, और घटिया क्वालिटी की चीज़ें नहीं रखनी अपने अंदर, बूट चंपल कोई भी मतलब एकदम लो का नहीं रखना, मीडियम रखने का, ठीक है, जैसे आप ऐसे ताकत से बेच सको कि भाई यार हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है, हमारा बूट बहुत अच्छा है, हमारे सब कुछ अच्छा, आप मतलब ऐसे ताकत से दे सकते हो भाई, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, दसवीं चीज़ है भाई प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट आप मान लो समझ लो 40-50% आपको प्रॉफिट मिलेगा इस चीज़ में, जूते की दुकान में भाई 40% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी आप ना नॉर्मली आप दुकान करोगे ना आप लिख के ले लो, मैंने ये चीज़ें बताई, ये चीज़ें आप अगर इस दुकान में करोगे तो आपका पर डे का धंधा 7-8 हज़ार का पर डे आ जाएगा, ठीक है, 8 हज़ार का पर डे का धंधा आएगा, महीने का हो गया 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 हो गया, तो आपके 2,40,000 में से 40% निकाल दो तो 1 लाख रुपये बनता है, 1 लाख रुपये में से आपके 20,000-25,000 रुपये खर्चा हो जाते हो तो महीने का 80,000 रुपये आपका
100% प्रॉफिट आपका बच जाएगा, वो आपका पूरा आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, जेब में जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको धंधा बढ़ेगा वैसा वैसा माल ज्यादा भरिए, 10,000-15,000 के आसपास भी चला जाएगा। जैसे मैंने जो चीजें बताई ना 10 चीजें, वो चीजें आप अपने साथ में करोगे तो धंधा 15,000 तक चला जाएगा। 15,000 का हुआ तो महीने का आपका 4.5 लाख का धंधा आ जाएगा। 4.5 लाख में आपका उसमें प्रॉफिट रहेगा उसमें 2 लाख रुपए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना भाई, थोड़े से पैसे लगाकर आप महीने के 2 लाख रुपए कमाकर महीने का 2.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो, 2 से 2.5 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है मेरे से धंधे से रिलेटेड तो प्लीज पूछिए क्वेश्चन, हाथ जोड़ के विनती आप क्वेश्चन पूछिए, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और क्वेश्चन नहीं पूछने हैं तो आपको मेरे से कुछ सवाल नहीं करना, कोई जानकारी नहीं चाहिए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, धन्यवाद। खुश रहो, भगवान आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, भगवान आपको सारी खुशियां दे।